हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे साबुदाने के दही बड़े। यह व्रत की रेसिपी हम बहुत ही कम सामान से बनाकर तैयार करेंगे। जब भी आपका व्रत हो आप इसे बनाकर खाइए और अपनों को खिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं साबुदाने के दही बड़े बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और साथ में लिया है 1 कप साबुदाना। इसको मैंने 6 घंटे के लिए पहले गला दिया था। सबसे पहले हम आलू को एक ग्रेटर से अच्छे से कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, सभी आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी साबुदाना। ये 1 कप साबुदाना है। इसमें साथ में मैं डालूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून सेंधा नमक, इसको हम व्रत में खा सकते हैं। और साथ में मिलाएंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची। अगर आप व्रत में लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसका हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से बॉल बनाएंगे। ये आप छोटे बड़े किसी भी साइज के बना सकते हैं। अब इसको हम एक प्लेट में रखेंगे और बाकी बचे हुए मिक्स के भी इसी तरह से हम बॉल बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, सभी बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर ये आपके हाथों पे चिपकता है तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको आराम से बना सकते हैं। ये सभी बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल को डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये बड़े तलेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इन बड़ों को डालेंगे। एक साथ हमें बहुत सारे नहीं डालने हैं। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। जब ये नीचे से थोड़े से तल जाएंगे तब हम इसको टर्न करेंगे। साबुदाने के बड़ों को हम ज्यादा नहीं छेड़ते हैं, नहीं तो ये फट सकते हैं। अभी ये थोड़े से तलेंगे, उसके बाद इसको टर्न कर गए हैं। ये थोड़े थोड़े तल गए हैं, अब इसको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको हम अच्छे से गोल्डन होने देंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए बड़े भी इसी तरह हम तलकर तैयार करेंगे। ये सभी बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम दही बड़े की प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा, साथ में इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा मैश किया हुआ दही। और साथ में इसमें मिलाएंगे चटनी। ये इमली की चटनी है, इसको हम व्रत में खा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे सेंधा नमक। इसमें हमने नमक पहले भी डाला हुआ है इसलिए हमें थोड़ा सा ही डालना है। साथ में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची। ये दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साबुदाने की दही बड़े की रेसिपी कंप्लीट हुई। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।